Guys, I am Nisi Sanger, this is YouTuber X. आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं iPhone 9 के बारे में, iPhone 9 की लॉन्च डेट के बारे में. तो वीडियो को एंड तक देखिए, शायद से आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो. तो वीडियो को शुरू करते साथ फर्स्टली बात करते हैं कुछ न्यूज की. तो यहाँ पर पता चलता है कि आपके लिए जो लेटर 2020 होगा, उस टाइम पर आपके लिए iPad Pro का एक नेक्स्ट वर्जन भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक 5G चिपसेट के साथ आएगा. उसमें आपके 5G नेटवर्क का सपोर्ट होगा और वो आपके लिए यहाँ पर आपका सेलुलर वेरियंट होगा, उसी में आपके लिए 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ पर और लीक्स आ रही हैं सामने iPhone 12 से रिलेटेड, कि आपके लिए iPhone 12 में भी लिडार सेंसर देखने को मिल सकता है, जिस तरह से आपके लिए iPad Pro 2020 में देखने को मिला, ठीक इसी तरह से आपके लिए iPhone 12 Pro और 12 Pro Max में भी ये लिडार सेंसर देखने को मिल सकता है. यहाँ पर जो 4 iPhones आएंगे, इसमें जो 2 iPhone होंगे सबसे एक्सेप्ट लेवल के, उन्हीं में आपके लिए ये सेंसर देखने को मिलेगा. उसकी मदद से आप AR एक्सपीरियंस होगा वो और ज्यादा इंप्रूव होगा. जिस तरह से iPad 2020 के कैमरा क्वालिटी के बारे में यहाँ पर हमारे सामने न्यूज आ रही है, उसी तरह की कैमरा क्वालिटी आपके लिए iPhone 12 में देखने को मिल सकती है. साथ साथ हमारे पास न्यूज आ रही है WWDC 2020 के बारे में, जिसमें हमारे पास जॉन प्रोजर है, उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किए हो, कुछ यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किए, आप चाहो तो वहां पर चेक कर सकते हो. जिन्होंने यहाँ पर बताया कि जो आपके लिए WWDC 2020 है वो आपके लिए मंडे को 1st of June को देखने को मिल सकता है. इनकी जो लीक्स है, इनके जो रूमर्स है बहुत ज्यादा, इनके जो लीक्स के एक्यूरेट चांसेस होते हैं कि यही डेट यहाँ पर सामने आएगी. तो इस तरह से इनके ट्वीट के माध्यम से पता पड़ता है हमारे लिए कि आपके लिए WWDC 2020 1st of June को देखने को मिल सकता है. इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ iPhone SE 2 के बारे में या iPhone 9 के बारे में, तो यहाँ पर जो iPhone 9 की वीडियो आपने पहले भी चैनल पर देखी होगी, जिसमें हमने बात करी उसकी डिजाइन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में. इसके साथ साथ यहाँ पर iPhone 9 Plus के भी चांसेस हैं, बट iPhone 9 Plus की यहाँ पर कहीं भी स्ट्रांग रूमर्स देखने को नहीं मिलते. जो iOS 14 का कोड है उसकी वजह से ही पता चलता है कि आपके लिए शायद से iPhone 9 के साथ 9 Plus भी देखने को मिल सकता है, बट वो देखेंगे कि वो सामने आता है या नहीं आता है. बट यहाँ पर iPhone 9 के जो स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं उनसे पता चलता है कि अभी तक जिस तरह से आपने iPad Pro 2020 का लॉन्च देखने को मिला, जिस तरह से यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ पुरानी लीक्स को एनालाइज करके, कि पहले एप्पल ने बोला था कि आपके लिए मिड मार्च में ये एक इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपके लिए iPad Pro देखने को मिल सकता है, MacBook का न्यू एडिशन देखने को मिल सकता है, तो वो बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है. बिकॉज ऑफ मिड मार्च में ही आपके लिए 18th of March को यहाँ पर न्यू iPad Pro 2020 देखने को मिला. इसके साथ साथ MacBook Air का 2020 एडिशन देखने को मिला. इस वजह से यहाँ पर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके लिए यहाँ पर एप्पल के ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि आपके लिए iPhone 9 का लॉन्च इवेंट यहाँ पर 31st of March को देखने को मिल सकता है, तो ठीक इसी तरह का साइज से ऐसा हो सकता है ये कंफर्म, जिस तरह से 18th of March को आपके लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च देखने को मिले. भले ही यहाँ पर कोई हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रांग न्यूज नहीं थी हमारे पास एप्पल की किस डेट को आपके लिए ये प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, बट हमें पता नहीं चला 18th of March को यहाँ पर ऑनलाइन इवेंट में इन प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया गया. ठीक उसी तरह से अब एप्पल यहाँ पर इस ईयर के सारे इवेंट को ऑनलाइन ले जा रहा है, तो इसी तरह से आपके लिए 31st of March को iPhone 9 के लॉन्च होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर MacBook और iPad से रिलेटेड भी कोई न्यूज नहीं थी सामने, बट वो भी लॉन्च हो गए और वो प्रोडक्ट यहाँ पर क्लियरली आपके सामने आ चुके हैं. आप चाहो तो उनकी स्पेक्स के बारे में जान सकते हो. iPad के ऊपर मैं टोटली एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक अगर आपने वो चेक ना की हो तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो. इसके साथ साथ मैं आपके लिए यहाँ पर MacBook Air पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. और यहाँ पर जो iPhone 9 की बात करते हैं, वो आपके लिए मेरे हिसाब से जिस तरह से एप्पल ने ये लॉन्च किए ये प्रोडक्ट, इसी तरह से आपके लिए साइज से iPhone 9 31st of March को देखने को मिल सकता है. जो यहाँ पर जॉन प्रेजर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट और किया था कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है iPhone 9 का वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब इसके बॉक्स भी प्रोड्यूस होने लगे हैं, इसकी एसेसरीज वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट पैकेज के साथ साइज से 31st of March को होल वर्ल्ड में देखने को मिल जाए एक ऑनलाइन इवेंट के तौर पर. तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन है और मेरे को यही लगता है, जिस तरह से आपके लिए iPad Pro देखने को मिला, MacBook Air देखने को मिला, ठीक उसी तरह से आपके लिए iPhone 9 भी देखने को मिल सकता है. 9 Plus की यहाँ पर अभी तक स्ट्रांग रूमर्स नहीं है, बट अगर वो भी आता है तो आपके लिए 31st of March को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा. इसके साथ साथ आपके लिए अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बिकॉज ऑफ वहां पर भी आपके लिए एप्पल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी. लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में.